नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, और बात करने वाला हूँ सारेगामपा के 8th एपिसोड के बारे में, जो कि था नवरात्रि स्पेशल एपिसोड। गाइस, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, राजकुमार राय और तृप्ति धीमरी स्पेशल गेस्ट बन के नजर आए इस एपिसोड में। जिस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, नाम है उनका अर्श नूर सिद्धू। गाइस, और रहने वाले हैं जलंधर पंजाब के, उम्र है इनकी 19 साल। सारेगामपा में जाने का इनका मकसद है अपने दादाजी का सपना पूरा करना। गाइस, क्योंकि इनके दादाजी भी गाते हैं और इनके दादाजी का सपना है कि वो अपने पोते को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं, नाम कमाते देखना चाहते हैं। तो उनका सपना पूरा करने के लिए अर्शनूर पहुंचे हैं सारेगामापा के मंच पे। ऑडिशन में इतनी दमदार परफॉर्मेंस और मेगा ऑडिशन में शानदार परफॉर्मेंस से टॉप 12 की रेस में अर्शनूर पहुँच चुके हैं और अपने दादाजी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो दादाजी भी उनके साथ ही हैं मंच पे। तो गाइस, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस जैसा कि अर्शनूर की हमें सुनने को देखने को मिलती हैं। तो इस हफ्ते 8th एपिसोड नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में भी अर्शनू की दमदार परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। गाइस, जिस गाने को इन्होंने अटेम्प्ट करा, दैट वाज मस्त कलंदर, मास्टर स्लीम शंकर महादेवन द्वारा गाया गया गाना, शंकर एहसान लॉय की ये कंपोजिशन, दिल द मामला है दिलवर हो नहीं जोर, इस दिल पर मस्ते मस्ते मस्त कलंदर, और आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाया इसे अर्शनूर ने। गाइस, अर्शनू थैंक्स करते हैं जी को, थैंक्स करते हैं सारेगामापा को, थैंक्स करते हैं कि वो गुरु रंधावा की टीम में हैं, और क्योंकि गुरु रंधावा इतने बड़े सिंगर हैं, उनके साथ मौका मिल रहा है, उनके साथ कुछ सीखने का उनसे, तो ये थैंक्स करते हैं सबको। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस अर्शनूर की हमें 8th एपिसोड में देखने को मिली। स्टैंडिंग ओवेशन इनकी परफॉर्मेंस को दी जाती है जजमेंट पैनल द्वारा, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए जाते हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा द्वारा और हमारे जजमेंट पैनल द्वारा, और इनकी परफॉर्मेंस को चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस कहा जाता है और प्ले भी इनकी परफॉर्मेंस को मिलता है। लेकिन कहानी यहीं भी ख़त्म नहीं होती। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, राजकुमार राव, अर्शनूर और गुरु रंधावा ढोल की बीट पे, पंजाबी ढोल की बीट पे नाचते हुए आते नजर आते हैं सारेगामापा के मंच पे 8th एपिसोड में। गई तो ये बहुत ही प्यारा सेगमेंट, बहुत ही प्यारा मूवमेंट था। अगर आपने इसे मिस किया हो किसी कारण देखना, तो इसे आप देख सकते हैं एनी वन टाइम ऑनली ऑन Z5। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अबाउट रियलिटी शो अपडेट, सारेगामापा की रेगुलर अपडेट की वॉचिंग सारेगामापा अपकमिंग एपिसोड एवरी सैटरडे संडे 9 PM एंड बेस्ट विशेस टू अर्शनू। थैंक सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।